टॉपिक बट टाइप नंबर टू हमारे पास, टाइप नंबर टू हमारे पास इस फॉर्म की होगी कि ए पी ऑफ एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, जिसमें हमारे पास जो ए के जैसे टर्म्स होंगे हम उनको सपोज करेंगे किसी भी वेरिएबल की। हमने यहाँ पर वेरिएबल वाई यूज कर दिया तो यहाँ पर इसकी जगह भी वाई आ जाएगा और इसकी जगह भी वाई आ जाएगा, लेकिन ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में ही, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने हर टर्म को इस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इसका एलसीएम वाई होगा, जो एलसीएम होगा तो उसी से मल्टीप्लाई करो तो क्वेश्चन आसान बन जाएगा। तो इधर भी वाई मल्टीप्लाई हो गया, इधर भी वाई मल्टीप्लाई और इधर भी वाई मल्टीप्लाई किया, यहाँ से वाई वाई कैंसिल हो गया, इक्वेशन हमारे पास बन गई ax स्क्वायर प्लस b इक्वल टू cy। अभी इस टर्म्स को हमने यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसका एडिटिव इनवर्स यहाँ पर इसके साथ ऐड कर दिया, तो ये इधर आकर माइनस सी वाई बन जाएगा एन प्लस बी इक्वल टू जीरो, विच इज अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम इसी अपने सवाल को, इसी मेथड्स को फर्दर समझने के लिए हम इसी क्वेश्चन की हेल्प लेंगे और इसकी मदद से हम अपने सारे क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 2x² + 1 + 3 / 2x² + 1 = 4। जैसे कि हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि 2x² + 1 इधर भी मौजूद है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी मौजूद है, तो इसी को हम सपोज कर लेते हैं वेरिएबल के, और वेरिएबल हमने यहाँ पर चूज किया हुआ है y इज इक्वल टू वाई, सो देन इक्वेशन वन बिकम, इक्वेशन वन बन जाएगी यहाँ पर हमारे पास, इसकी जगह भी y आ जाएगा और इस डिनोमिनेटर वाले की जगह भी y आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि y प्लस 3 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 4 बन गया। हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका y होगा, तो इस y को हर टर्म से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई y, इसको भी y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको भी y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको भी y से, तो ये y और y कैंसिल हो जाएगा, y मल्टीप्लाई y, y बन जाएगा y स्क्वायर, इधर रह जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 4y। अभी हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए इसी 4y को दोनों साइड by सब्ट्रैक्टिंग, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्म को फैक्टराइज करना है बाय मिड टर्म ब्रेक मेथड, दो नंबर फाइंड करने जिनको हम ऐड करें तो माइनस 4 आ जाए और अगर मल्टीप्लाई करें तो उससे 3 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, अगर 1 को 3 से मल्टीप्लाई भी करें तब भी हमारे पास 3 आएगा। तो एक नंबर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1y और दूसरा टर्म होगा माइनस 3y एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जैसे कि हम देख रहे हैं क्योंकि माइनस 1 और माइनस 3 को ऐड करेंगे तो माइनस 4 आएगा और माइनस 1 माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। अब ये फर्दर बन जाएगा नाउ y स्क्वायर माइनस 1y और यहाँ से हमने माइनस कॉमन किया तो ये बन जाएगा 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। वंस अगेन यहाँ पर y कॉमन था तो इधर y माइनस 1 रह जाएगा और यहाँ 3 कॉमन था तो यहाँ भी y माइनस 1 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब जैसा कि हम देख रहे हैं वंस अगेन यहाँ पर y माइनस 1 कॉमन है तो यहाँ पर रह जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। प्रॉपर्टी को यूज कर लेते हैं बाई 0 फैक्टर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक या तो y माइनस 1 जो है या तो वो 0 के बराबर है, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या y माइनस 3 या ये 0 के बराबर है। तो अभी यहां पर y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू 1 बन गया और यहां पर y की वैल्यू आ जाएगी 3, y इज इक्वल टू 3। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन तो इन टर्म ऑफ x वेरिएबल है तो इसी वजह से हम सपोजिशन को वापस पुट करेंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया और इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया।
हम इक्वेशन नंबर टू में भी वाई को वापस पुट करेंगे और इक्वेशन नंबर थ्री में भी वाई को वापस पुट करेंगे, बट वाई इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, सो देन इक्वेशन टू बिकम्स, इक्वेशन टू बन जाएगा, इधर लगा लेंगे टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू वन आ जाएगा। फिर इसके बाद बाई सब्ट्रैक्टिंग वन को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो ये बन जाएगा वन माइनस वन, यहाँ से ये टर्म हो जाएगा कैंसिल, इधर आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। दोनों साइड्स को टू पे डिवाइड करें, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टू, जब हम दोनों साइड्स को टू पे डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो डिवाइडेड बाय टू, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, टू और टू कैंसिल हो जाएगा, इधर रह जाएगा एक्स स्क्वायर और इधर आ जाएगा जीरो डिवाइड बाय इज इक्वल टू इज इक्वल टू जीरो। अब हम यहाँ पर लेंगे स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर को खत्म करना है, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, सो एक्स इज इक्वल टू रिजल्ट आ जाएगा जीरो। अगेन फ्रॉम इक्वेशन थ्री, अभी हम इक्वेशन नंबर थ्री की तरफ आ जाते हैं, तो जिसमें y इक्वल टू थ्री था तो उधर भी हम y की जगह टू एक्स स्क्वायर प्लस वन को पुट कर लेंगे इज इक्वल टू थ्री, ये वन इधर आकर बन जाएगा माइनस बाय सब्ट्रैक्शन से, और यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू, दोनों साइड्स को डिवाइड करें टू पर, सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टू, दोनों साइड को हम टू पे डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करने के बाद टू डिवाइडेड बाई टू एक्स स्क्वायर इंटू टू डिवाइडेड बाई टू, टू टू कैंसिल हो गया, इधर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन रह गया। अब हम इसके बाद यहाँ पर क्योंकि हम तो स्क्वायर रूट भी लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेने के लिए हम यहाँ पर इसी को यूज करते हुए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग सेकेंड सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट एंड इज इक्वल टू, यहां भी आ जाएगा प्लस माइनस वन, ये हो गया कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू यहां पर बन गई प्लस माइनस वन। अब हम देख सकते हैं क्योंकि हमने यहां पर इसके साथ वो प्लस माइनस नहीं लगाया, उसकी एक वजह थी क्योंकि ये जीरो था, जीरो हमारे पास न्यूट्रल इंटीजर है, तो जीरो तो नो प्लस में आता है और नो माइनस में, वो न्यूट्रल है, तो इसी वजह से यहाँ पर प्लस और माइनस का कोई रोल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हम प्लस माइनस को मेंशन करेंगे। सो हमारे पास सोल्यूशन सेट बन गया, सोल्यूशन सेट एक एक्स की वैल्यू जीरो आ गई और दूसरा यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ गया प्लस माइनस वन, कि यहाँ पर प्लस वन भी मौजूद है और माइनस वन भी मौजूद है। तो स्टूडेंट्स आज हमने टाइप नंबर टू को भी डिस्कस कर लिया, तो आप उम्मीद है कि आप लोगों को टाइप नंबर टू भी समझ आया होगा, तो इंशाल्लाह अगली दफा हम एक नए टॉपिक के साथ और एक नए टाइप के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।